नगर पालिक निगम रिसाली की महापौर शशि सिन्हा ने वार्ड पार्षदों के साथ वार्ड 2, 3 और 4 का भ्रमण किया। वार्ड वासियों द्वारा महापौर को विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया गया, साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा नहीं आने की जानकारी दी। महापौर ने शीघ्र समस्याओं के निराकरण का आश्वासन दिया। रविवार से नगर पालिक निगम रिसाली की महापौर शशि सिन्हा ने रिसाली निगम के समस्त वार्डों का निरीक्षण कर वार्डों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने वार्ड भ्रमण अभियान की शुरुआत की है। प्रथम चरण में महापौर शशि सिन्हा ने MIC मेंबरों के साथ वार्ड क्रमांक 2, 3 और 4 का निरीक्षण किया। महापौर का स्वागत वार्ड वासियों द्वारा किया गया। महापौर को वार्ड वासियों ने सड़क नाली साफ सफाई आदि जैसी समस्याओं से अवगत कराया, साथ ही लंबा वक्त गुजर जाने के बावजूद प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा नहीं आने की भी जानकारी दी। महापौर ने वार्ड के सभी नागरिकों से चर्चा कर समस्याओं की जानकारियां ली और मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। महापौर को समस्याओं से अवगत कराने क्षेत्रवासियों की भारी भीड़ लगी रही। महापौर शशि सिन्हा ने कहा कि लोगों ने उन्हें समस्याओं से अवगत कराया है, साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना में अशोक डहरिया द्वारा लोगों से पैसा लेकर भी काम रुकवा दिया गया है, जो कि पूर्ण रूप से गलत है, इस पर कार्रवाई की जाएगी। मैं वार्डों के भ्रमण के लिए वार्ड 2, 3 और 4 में भ्रमण की हूँ और लोगों की समस्या भी देखी, सुनी और समझी भी हूँ, क्योंकि जो आवास योजना का जो पैसा है किसी को मिला है, किसी को नहीं मिला, किसी को पहला किस्त भी नहीं मिला है, और जो अशोक डहरिया जी है तो उनके थ्रू पैसा मिलना था तो वो पैसा लेके ही काम रुकवा दिए हैं, तो गलत बात है और उनके बारे में कार्रवाई भी करूंगी। और जो जो नाला का समस्या चिकम साहू के जो वार्ड में है, नाला का समस्या है वहाँ तो बहुत जटिल समस्या बताए गए हैं और मैं देखी भी हूँ और इनका भी निरीक्षण करके मैं इनकी समस्या का समाधान जरूर करवाऊंगी। बहुत ज़्यादा समस्या है क्योंकि पानी और जो श्रमिक एरिया है, जो पानी भर जाता है वहाँ नाला तो बनना ही है, पर इनके लिए भी जो समस्या है उनको भी मैं विस्तार से इनका जानकारी लेके जो काम है जरूर करूँ। रिसाली नगर निगम का पहले भिलाई नगर निगम में था, अब रिसाली नगर निगम का मंत्री जी ने गठन किया, विकास कार्य करोड़ों का हुआ है और मंत्री जी के मार्गदर्शन में हर वार्डों में विकास कार्य तेजी से हो रहा है और मैं मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और मैं वार्ड भ्रमण के लिए निकली हूँ वार्ड 2, 3 और 4, जिसमें टिकम साहू, सारिका साहू और ममता यादव के वार्ड में मैं भ्रमण की हूँ। वार्ड की जनता से मैं रूबरू परिचित हुई हूँ और जो समस्या है वार्ड 2 में जो नाला का समस्या है, मैं खुद वहाँ जा कर निरीक्षण की हूँ, क्योंकि वार्ड की पार्षद लोग यहाँ हमको लेटर देते हैं तो समस्या है कि नहीं वो भी तो देखना है मुझे, तो मैं वहाँ विजिट करने भी निकली हूँ। और हमारे साथ संगठन के भी हैं, भाव जी हैं और अनुपम गोस्वामी जी है, छाया पार्षद रजत राजेंद्र रजक भी हैं और वार्ड के सभी जनता से मैं सहयोग मुझे किए हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि जो समस्या है उनको तो देख के समझा जाता है कि क्या समस्या है। पहले तो समस्या नाला का है, नाला का समस्या जो पानी है, जो श्रमिक एरिया है, जो डुबान जैसे है क्षेत्र है जहाँ पानी भर जाता है, तो जनता की बहुत बड़ी समस्या है, इस समस्या को जरूर निराकरण करेंगे। और जो आवास योजना जो पैसा है वो किसी को मिला है, किसी को मिला भी नहीं है, तीन किस्त जैसे 4 किस्त मिलना चाहिए, किसी को पहला किस्त भी नहीं मिला है, तो ये तो उनकी निरीक्षण और निरंकारी भी करना पड़ेगा कि कैसा ये पैसा मिला नहीं है। इनकी भी मैं ज़रूर आयुक्त सर से मैं चर्चा करूँगी और वार्ड की जनता ने मुझे बहुत सहयोग किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त। इस अवसर पर उपस्थित कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष मुकुंद भाऊ, पार्षद सारिका साहू एवं पूर्व एल्डरमैन प्रेमचंद साहू ने अपनी प्रतिक्रिया दी। निरंतर वार्ड के विकास होते हमारे माननीय विधायक महोदय, माननीय श्री ताम्रध्वज साहू जी के द्वारा, और हमारे यहाँ पे महापौर दीदी आज उपस्थित हुई से हम जो जन समस्या लिख के देख रहे हैं ओला रूबरू हो के देखी, सो वाकई समस्या मेन वार्ड वाइज समस्या का है। आज जो भ्रमण हुई से हमारे 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, चारों में जो मेजर जो समस्या है जो जनता के बीच की से और जनता के जो समस्या है ओला नोट करात की से और आवश्यक रूप से समस्या के समाधान हुई थोड़ा थोड़ा करके, काबर के शासन प्रशासनिक काम है ना, एकदम से नहीं लेकिन धीरे धीरे काम के समस्या के समाधान हुई। हमें हमारे ब्लॉक अध्यक्ष भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, तीनों वार्ड के पार्षद हिस्सा ले है, हमारे पूर्व पार्षद हिस्सा ले, हमारे वार्ड के अध्यक्ष मन हिस्सा ले है। मैं सब ला धन्यवाद देना चाहूँ
विशेष रूप से समस्त ग्रामवासी मतलब धन्यवाद देना चाहूँ, वो मन बढ़ चढ़ के हिस्सा लीस और समस्या के अपन जो समस्या है बोला महापौर दीदी ला प्रस्तुत करे थे, निश्चित होके एक जो समस्या के समाधान किए जाए। आज हमारे वार्ड क्रमांक 3 धुआ बांध हमी महापौर मैडम और भाव जी निरीक्षण करने के लिए आए हैं, जिनमें जन सहयोग के साथ ही निरीक्षण किया जा रहा है और हमारी जन समस्या से हमारी महापौर मैडम रूबरू हुई है, जन समस्या का निराकरण भी जल्द ही होगा। इनके लिए मैं मंत्री जी को आभार दूंगी, महापौर मैडम को आभार दूंगी कि जनता के बीच आकर जन समस्याओं को सुनी, उनका निरीक्षण किया और जल्दी ही समस्या का निवारण करने का आश्वासन दिया। इनके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आज का वार्ड भ्रमण का जो दौरा महापौर जी के नेतृत्व में हमारे साथ में पार्षद लोग भी रहे हैं, टीकम साहू भी है, नारखेड़े जी है, ममता है और सारिका, ये सभी पार्षद है, पूर्व पार्षद हमारे राजन रजक भी है, एल्डरमैन विनोद नेताम जी और सभी ग्राम के वार्डों के वार्डवासियों के द्वारा हमें जो जन समस्या बताई गई, उस जन समस्या में बहुत जटिल समस्या है। सबसे पहला तो वार्ड 2 और 3 से जो गुजरने वाला नाला, ये बहुत बड़ा समस्या है। इस समस्या का निदान होना मेरे हिसाब से बहुत अति आवश्यक है ताकि उसका निदान हो जाए। महापौर जी उससे अवगत हुई है, कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी हो सके उस काम को करें। बहुत सारे छोटे छोटे विकास कार्य है जिनमें पार्षदों के द्वारा हमारे पास में आवेदन आते हैं, तो हम लोग सोचे कि पार्षद लोग ही ऐसे आवेदन क्यों देते हैं, थोड़ा सा हम लोग भी जा कर के देखा जाए। तो हमने आज देखी है चारों वार्ड की जो समस्या है वो वाकई में जटिल समस्या, तीनों वार्ड की समस्या है बाकी जटिल समस्या है, इनका निदान करने की अति आवश्यकता है। कोशिश करेंगे मंत्री जी के द्वारा हमारे वार्डों में रिसाली नगर निगम क्षेत्र में बहुत सारे विकास कार्य हो रहे हैं, और भी विकास कार्यों के लिए हम मंत्री जी को इस समस्या से अवगत कराएंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ में आप सभी वार्डवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई, धन्यवाद, आपने हमारा सहयोग किया, धन्यवाद। गौरतलब है कि क्षेत्रीय विधायक और प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के प्रयासों से रिसाली निगम क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्य जारी हैं। प्रत्येक वार्ड में मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने योजनाबद्ध रूप से कार्य किया जा रहा है, जिससे लोगों में बहुप्रतीक्षित मांगे पूर्ण होने से हर्ष है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।